नमस्कार, स्वागत है आपका जेजेएन न्यूज में। मैं हूं आपके साथ पूजा। कैंप कार्यालय में आज कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने जनसुनवाई कर मौके पर कई शिकायतों का समाधान किया। आपको बता दें, जनसुनवाई में अधिकांश शिकायतें सड़क, बिजली, पानी, भूमि विवाद के साथ ही विभागों के अधिकारियों से संबंधित थी। जनसुनवाई में कमिश्नर दीपक रावत ने विभागीय अधिकारियों के साथ ही फरियादियों को तलब कर समस्याओं का मौके पर समाधान किया। समस्त प्रदेशवासियों को मेरा प्रणाम। मैं बेला तोलिया जिला पंचायत अध्यक्ष नैनीताल। समस्त क्षेत्रवासियों को उत्तराखंड के लोक पर्व उत्तरायणी पर्व की, मकर संक्रांति, लोहड़ी और गणतंत्र दिवस की ढेर सारी बधाइयां, ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूं। जय हिंद, जय उत्तराखंड। इस बारे में जानकारी देते हुए कमिश्नर दीपक रावत ने बताया कि साल 2000 की एक पुरानी शिकायत जनसुनवाई में आई थी। बता दें, उधम सिंह नगर जिले के काशीपुर में मानपुर फिरोजपुर गांव, जो कि कॉर्बेट नेशनल पार्क के अंदर है, यहां 54 लोग रहते हैं। उनका विस्थापन मानपुर फिरोजपुर के साल 2000 में हुआ था। ग्राम सभा के बंदोबस्ती का काम चल रहा था, लेकिन बंदोबस्ती में गलतियां हो रही थी, जिस वजह से क्षेत्र के लोगों का नाम खतौनी में दर्ज नहीं हो पा रहा था। इसके बाद कमिश्नर दीपक रावत ने मानपुर फिरोजपुर गांव का दौरा कर इस समस्या का समाधान के लिए मुख्यमंत्री को इसके बारे में बताया, जिसके बाद गांव वालों ने बताया कि बंदोबस्ती का काम पूरा हो चुका है और उनका नाम खतौनी में 18 जनवरी 2024 को दर्ज हो चुका है और उन्हें पक्की खतौनी भी मिल गई है। साथ ही गांव वालों ने कमिश्नर दीपक रावत का आभार जताया। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए जेजेएन न्यूज के साथ। धन्यवाद।